ये आगे इस पुल क्रॉस करेंगे हम तो हम लोग जीबी में दाखिल हो जाएंगे। इसके पीछे पीछे जो है ये है दियामीर, और ये वाला जो है रायकोट ब्रिज है, यहाँ से जीपें मिलती हैं। ये वाली जीप में आप फेरी मेडोज यहाँ से जा सकते हैं। जाने का शौक हो तो फेरी मेडोज के लिए जो जीप होती है रायकोट ब्रिज से होती है, तो यहाँ से होती है। आप अपनी गाड़ी पे अगर हैं तो आप अपनी गाड़ी यहाँ पर, ये सामने पार्किंग है। पार्किंग के बाद यहाँ से आप जीप लेंगे। जीप तकरीबन 8,000 रुपया लेती है। जीप का 1.5 घंटे 1.5 से 2 घंटे। सामने जो खूबसूरत सा पहाड़ सफ़ेद बर्फ़ से ढका हुआ है, ये नंगा पर्वत है। इसके अलावा ये जो बाकी है ये सारा खुश्क पहाड़ है, बंजर बियाबान। इसके अंदर जब ये वाइट का एकदम नज़र आता है तो बहुत खूबसूरत लगता है। ये नंगा पर्वत अगर आप फेरी मेडोज चले जाएंगे तो आपको ज़्यादा करीब नज़र आएगी, क्योंकि आप हाइट तक चले जाएंगे। तो जब आप ये हमज़ा की तरफ जा रहे होंगे, गिलगित की तरफ जा रहे होंगे, तो इसका नंगा पर्वत व्यू पॉइंट रास्ते में आता है। और ये जो वो नीचे सामने नज़र आ रही है रोड सांपनुमा, ये वाला स्तोर का रास्ता है। यहाँ से स्तोर को आप जाएंगे, स्तोर से आगे देवसाई की तरफ। जंक्शन ऑफ वर्ल्ड्स 3 हाईएस्ट माउंटेन रेंजेस, ये बिल्कुल सामने, एक बिल्कुल हमारे सामने, एक ये इस साइड पे है और एक वो बिल्कुल ऊपर सामने। वो तीनों जुड़ी हुई आपस में, वो वहीं से हुए ना। ये ऐसे है ना, एक ये सामने वाली, हाँ, एक वो है और एक ये है। तीन ये देखो वो बना रहा है, ऊपर जाके देखते हैं बाकी। जो निशान बना हुआ आपको तीन नज़र आ रहे हैं, ये वही तीन बुलंद खाड़ी सिलसिले हैं जो कि इस इलाके में पाए जाते हैं। फ्रेंडली हाईवेज, पाक चाइना फ्रेंडशिप। सामने जो सीधा रास्ता आपके कैच से आएंगे, अगर सीधा चले जाएंगे तो गिलगित है, यहाँ से राइट हो जाएंगे तो हुंजा नगर की तरफ, ये आपको हुंजा का बाईपास हो जाएगा। अदरवाइज़ आपको गिलगित शहर वरना क्रॉस करना पड़ेगा। ये कामी भाई के हाथ की चाय तैयार हो चुकी है। इस वक्त हम हुंजा बाईपास पे हैं, गिलगित शहर की एंट्री पे। टी टाइम के बाद आगे की तरफ रवानगी होगी। मॉडर्न वे बेकर्स और टी टाइम। गिलगित में हम इंटर हो चुके हैं जी। आज का हमारा सफ़र यहीं तक है। यहाँ पे भी हम लोग होटल लेंगे और स्टे करेंगे। कल दोबारा आगे सफ़र शुरू करेंगे। कल भी स्टे करेंगे।
कल स्टे नहीं करेंगे यार, बदतमीजी कर रहा है लड़का, कौन है ये? ओके अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग फ्रॉम गिलगित। ये खूबसूरत ये गिलगित का जी गुड मॉर्निंग है, सुबह सुबह इंतहाई खूबसूरत व्यू है। ये बैक साइड से तो ज़्यादा ही है कुछ, यहाँ से ये मेन रोड है जो अंदर शहर की तरफ जा रही है, इसी पे गिलगित बल्तिस्तान असम्बली है, एयरपोर्ट भी आगे, नेटको का ऑफिस भी यहीं पे साथ ही करीब में। तो ये नया शहर है सारा, मेन शहर सारा आगे है, खूबसूरत व्यू है बड़ा। ये सूरज नहीं कर रहा है, ब्लाकों की तामीरात जा रहा है, तामीरात शहर में धड़ाधड़ हो रही हैं। लास्ट टाइम हम आए थे यहाँ पे इतनी वादी नहीं थी, वो सामने जो पुल है वो बाईपास हो जाएगा शहर को बारो बार, आप हमजा चले जाएंगे, वही सामने दरिया है वो नीचे इंडस रिवर। और यार पराठा से मंगा, मीन क्या कर रहा है यार, पराठा ले दो भाई यार, पे क्या भी ले आएगो मैं उस चक्कर में बैठ। हेलो हेलो, कम खाओ मुझे खाओ भाई, कैसा महसूस कर रहे हो? बहुत अच्छा। अभी तक क्या चल रहा है? सिर्फ नाश्ता, अभी तक नाश्ता चल रहा है? नहीं नहीं, वाईफाई की तलाश भी चल रही है। वाईफाई कमरे का, हमें जो कमरा अच्छा मिला था वैसे कमरे का रेंट भी मैं सकता नहीं है, वो नाश्ता भी अच्छा हो गया, अभी हम लोग आगे की तरफ सफर करेंगे। नेट नहीं चलता, नहीं दिया अपनी चाबी ने, मेरे ने रखनी है आंडे हैं यार। अमी ने क्या कर रहा है यार, पी लिया ना उसने ना यार, अपनी अपनी चाय पियो यार, थल्ला ते आन दो, थल्ला भी आनी आनी मैं चाय चुप पी लिया। वैसे मैंने कसम मेरी बाबा एक को घूम लगा को भी पहन पे। के अच्छे सारी कुछ पहाड़ जो बुलंद बाला चोटियाँ के ऊपर अभी भी बर्फ मौजूद है, रोड इंतहाई शानदार है, खूबसूरत। नीचे नीचे जो पौधे दरख्त वगैरह शजरकारी हुई है ये खुद की गई है, इन पहाड़ों के ऊपर टॉप पे सिर्फ दरख्त आपको मिलेंगे, बाकी नहीं है। जीबी में आएंगे तो आपको खुबानियाँ बेहिसाब मिलेंगी, खुबानियाँ और चेरी। तो कामी भाई कैसी हैं? मज़े की है, मीठी भी है। अच्छा, और फ्री की भी है? फिर हाँ फ्री भी मिल जाती है। ये पेड़ है? ये पेड़ है, ये पेड़ है। सही है, कितने ही तोड़नी है आपने? ये हमने बस उससे मैंने किलो के पैसे दे दिए। कितने? 100 रुपीज़ दे दिए, आपने जितनी तोड़नी है तोड़ लो, बाकी छोड़ दो। ठीक है, यहाँ से अगर आप फ्री तोड़ना चाहें फ्री भी हो सकती हैं, पर वो हुंजा में जाके है, वो हुंजा में लोग नहीं मना करते। नहीं मना करते? नहीं करते, अदरवाइज़ यूँ रस्ते पे आप जहीं से जहाँ से भी तोड़वाएंगे ना तोड़ेंगे, उनको एक मखसूस कोई भी रेट जितने भी वो, तो फिर आपके पास एक शापर है, दो आप जितने भी भर सकते हैं। ये वाला अखरोट है, ये भी कच्चा है,
ये फिर बाद में जब उतरेगा पक्का हो जाएगा, इससे दांत बहुत अच्छे साफ होते हैं। दंदासा जो होता है वो भी इसी की दातन यही है ना। हाँ वो इसी से बनता है। ये रही ये करके दिखाओ कैसी है, टेस्ट क्या है? बहुत मज़ा है, फ्रेश है, मीठी बहुत है। हाँ ये वाली तो बहुत ही मीठी है। चलते जाओ ना आप गिलगित से हमजा की तरफ जाएंगे तो रास्ते में 15-20 किलोमीटर के बाद नलकर के लिए वैली आएगी। नलकर से आगे थोड़ा आएंगे तो नगर स्टार्ट हो जाएगा। जब नगर स्टार्ट हो जाएगा तो फिर आगे आपको ये कैसा एक्सपीरियंस आ रहा है? ये लिया ना वहाँ पे हमने लिया, व्यू सारा। ये बाग हैं खुबानियों के, इतनी मीठी है कि सोच है आपकी। यार ये तोड़ सकते हैं? वहाँ से तोड़ो, वहाँ से तोड़ी हमने, वो ऊपर जाओ। कैसा चाह रहा है भाई? बहुत आसम, जबरदस्त, अभी तक सही मजा आ रहा है, फैंटास्टिक। मतलब आपने कोई आके गलती तो नहीं ना की? नो सर। हाँ लड़के, कोई गलती तो नहीं ना की आपने इधर आके? नहीं पक्की बात है ना? कहे मैंने अभी तक इधर ही नीचे जाके बना ले। अस्सलाम वालेकुम, पोशी व्यू पॉइंट नगर हाई को पूरा दिया गया है। यहाँ पे आपको बैठने के लिए सिटिंग पानी के अंदर भी है, बाइक भी है, चाय यहाँ की बहुत मशहूर है, यहाँ पे ट्राउट फिश है, उसके अलावा फैमिली सिटिंग एरिया बैक साइड पे भी है। यहाँ पे आप नाइट स्टे भी कर सकते हैं। यहाँ पे जीप ट्रैक भी है? यहाँ पे जीप ट्रैक भी है, जो ऊपर जाएगा जिप लाइन भी है। यहाँ पे जिप लाइन भी आप यहाँ पे इंजॉय कर सकते हैं। और आप जीप ट्रैक यहाँ से ऊपर 3 किलोमीटर का है, 3 किलोमीटर आप ऊपर टॉप तक जा सकते हैं। इसके अलावा इसके ऊपर टॉप पे एक पोलो ग्राउंड भी है, एक क्रिकेट ग्राउंड है और एक स्टेडियम है। ऊपर उसका जीप ट्रैक दूसरी साइड से है, वो 9 किलोमीटर बन रहा है। रियली भाई आपको क्या हुआ, पैसे क्यों हंस रहे हैं? 5000 की जीता 5000 का ये दरवाजे पे भी ना काल डॉक्टर ने जाने का खर्चा किया 5000 दिया पिन्ना हो गई है ना। नहीं गुड्डू तू क्या गुड्डू बोली है गुड्डू नहीं गुड्डू तू क्या गुड्डू मेरे साथ कुछ हो रहा है गुड्डू यार सिगरेट नोशी मना है यार भाई साहब। कल हम जो है कल हम दरवाजे जोर से ला रहे ना देखे ये खर्चे बना रहा कि 5000 रुपया हो गया पिन्ना का खेल लो यार साढ़े से बिठा के दरवाजे लगे हैं। ये ज्यादती है इस पे वो इतराती है ये ज्यादती है। ये वो लड़का है। कैसी जगह लगी भाई, पहली बार आए हो इधर? जबरदस्त। उधर को देख के बताओ उधर क्या, वहाँ जाना है वो ऊपर जीप ट्रैक पे जाना है, वो 1.5 घंटे का है। कैसा लगे? 3 किलोमीटर 3 किलोमीटर तो ऊपर खुद भी पैदल चलना पड़ेगा।